नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वनस्पति की जानकारी दे रहा हूँ जिस वनस्पति को आपने कभी ना कभी अपने घर के आसपास देखे होंगे या फिर रोज़ इनको देखते होंगे, लेकिन इसके फायदे अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक खरपतवार है। लेकिन आज मैं आप लोग को जो इसकी सार सत्य और सटीक जानकारी है, जो आजमाई जा चुकी है या फिर जिसका प्रयोग होता है, उस जानकारी को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप भी अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्या पता जब भी ज़रूरत पड़े आप इसका प्रयोग करें और आपकी पैसे बच जाए। अगर इस तरह से वनस्पतियों की औषधि का प्रयोग करके हम अपने शरीर के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा शरीर भी सुरक्षित रहता है, बिना साइड इफेक्ट के हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहता आप है। लोग जानते ही होंगे आजकल की जो लाइफ स्टाइल है सभी का खराब हो चुका है। आजकल हर कोई अनियंत्रित जीवन दिनचर्या बना चुका है, इसलिए कम से कम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से वह ठीक कर सकेगा। बस इसी उद्देश्य से दोस्तों हम इस चैनल में नए नए वनस्पतियों की जानकारी हर किसी को बताते रहते हैं और उनके माध्यम से सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहचान लीजिए दोस्तों, इस पौधे को, इसको कहते हैं महाबला। संस्कृत में महाबला या क्षेत्रबला कहा जाता है, हिंदी में पीला या बरियार कहा जाता है, उड़िया में टोला बड़ी आमला कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्रूम जूट कहा जाता है। वैसे तो इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, तो खैर नाम के पीछे मत जाइए, इसके जो गुणधर्म हैं उसको पहचान लीजिए। तो अब अगर नाम भी नहीं जानोगे तो फिर भी कभी भी देखोगे ना तो इसको पहचान कि लोगे। हाँ ये इस तरह की बीमारियों में बहुत अच्छा कार्य करता है या इसकी औषधि है। तो यह महाबला का पौधा दोस्तों मधुर होता है, धातु अर्धक होता है, बल्य होता है, वृक्ष होता है, शुक्र वृद्धि कारक होता है, त्रिदोष शामक होता है। इसकी जो टहनी देख रहे हो ना, इस टहनी को अगर आप तोड़ करके दातुन भी करते हो तो यह बहुत ही जबरदस्त फायदा देता है आपको। दांतों की जो समस्या होती है पीला होने की या फिर कमज़ोर होने की या फिर मसूड़ों में जो खून आने की समस्या होती है वह ठीक हो जाता है। लगातार आप 1 सप्ताह इसका दातुन करके देखिए, फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुशी अनुभव करोगे। अगर कहीं अचानक जाते आते सर दर्द होने लगे तो आप इसके पत्ते को देखोगे तो इसके पत्ते को कुचल करके या मसल करके माथे में पीस करके लगा दीजिए, बस आपका सर दर्द फौरन गायब होने लगेगा। जो आप दवाई लेकर के ठीक करोगे उससे तो गारंटी नहीं है, लेकिन इसके जो पत्ते को पीस कर लगाओगे या फिर इसके पूरे पंचांग को, अगर छोटा पौधा है तो इसका जो रिजल्ट है 5-10 मिनट में दिखेगा और ऐसा दिखेगा कि सर में जितने भी दर्द हैं सब गायब हो जाएंगे और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। वैसे इसका पूरे पौधे का हर एक भाग ले करके पीस करके उसका रस निकाल करके पिलाने से पेचिस दस्त में भी लाभ होता है, और जिनको भूख नहीं लगने की समस्या होती है, भूख नहीं लगता है, तो उनको इसके जड़ का पाउडर सुबह शाम करना चाहिए गुनगुने जल से। इसके जड़ को सेवन करने से क्या होता है कि शरीर के जितने भी जलोदर, गैस्ट्रिक या अपच, अफारा, जितने भी पेट की खराबियां होती है उनको यह पूरी तरह से सोख करके निकाल देता है और खाली कर देता है। लेकिन पेट की हर एक समस्या में लेने से पहले आपको इसे गुनगुने जल से लेना है सुबह शाम, और 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, तब ये ज़बरदस्त काम करेगा। और किसी किसी को पेशाब में जलन की समस्या रहती है, रुक रुक करके आता जाता है, या फिर पेशाब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यह पेशाब की हर एक समस्या को आसानी से ठीक कर देता है। उसके लिए आपको इसकी जो जड़ें होती है उसको निकाल करके और इसके पत्तों को दोनों को मिला करके कूट पीस करके इसका काढ़ा बनाना है, और काढ़ा बनाने के बाद उस काढ़े को सुबह खाली पेट पीना है। तो सिर्फ 2 दिन में या फिर एक ही दिन में पेशाब की हर एक समस्या को ठीक करता है यह महाबला। अगर इसी तरह से किसी माताओं बहनों को श्वेत प्रदर की समस्या है तो इसके जड़ को निकाल लीजिए और कूट पीस करके उसका रस निकाल के या फिर उसी में मदरस घोल करके उसमें पानी मिला करके उसको शरबत की भांति आधा एक गिलास रोजाना पिलाइए सुबह खाली पेट, तो उनका श्वेत प्रदर भी ठीक हो जाता है। अगर कहीं मांसपेशी में, जांग में, घुटना में, कमर कंधा में दर्द हो रहा है तो इसके पूरे पंचांग को पीस करके अच्छे से लेप तैयार कर लीजिए
और वहाँ पे लेप कर दीजिए और कुछ देर के लिए आराम कर दीजिए। दर्द वाले स्थान का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन भी ख़त्म हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। अगर इसी तरह से किसी को ज्वर है, बुखार है, तो आप इसका 10 ml पूरे पंचांग का स्वरस यानी पूरे पौधे का कूट पीस करके निकाला हुआ रस 10 ml प्रतिदिन गुनगुने जल से बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सेवन करने से दोपहर और शाम को 3 टाइम सेवन करोगे तो आपका ज्वर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। जो शरीर में फोड़ा फुंसी होते हैं या फिर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की वजह से खुजली वगैरह होता रहता है, तो आप इसके पत्ते को कूट पीस करके रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा नारियल तेल या कपूर मिला करके तीनों को अच्छे से पेस्ट बना करके आप जहाँ भी फोड़ा फुंसी खुजली हो रहा है वहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको ज़बरदस्त चमत्कार देखने को मिलेगा। लगाते ही आपका खुजली शांत हो जाएगा, फोड़ा बैठ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो हुआ ही नहीं था। और इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों को जैसे कमजोरी रहती है, दोस्तों कई लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है या थकान महसूस होता है, काम करते समय सांस फूलने लगता है, किसी भी प्रकार से मतलब उनका शरीर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ नहीं होता है, तो उनको फिर से तरोताज़ा, फ्रेश और तंदुरुस्त बनाना है यानी शरीर के अंदर की हर एक सिस्टम को सुधारना है, तो आप इसके जड़ को निकाल लीजिए। और इसी वनस्पति का एक और प्रजाति होता है अतिबला, इसको बोलते हैं महाबला और उसको बोलते हैं अतिबला। तो अतिबला की जड़ और इस महाबला की जड़, दोनों बलाओं की जड़ को खोद करके दोनों को सुखा करके पाउडर करके यदि आप प्रतिदिन शहद के साथ या फिर देसी शुद्ध घी के साथ सेवन करते हो 1/2 चम्मच, तो हर एक कमजोरी का नाश होता है। और लगभग 15 या 20 दिन इस्तेमाल करके देखो, आपको फर्क दिख जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, अतिबला की जड़ और इस महाबला की जड़, दोनों की जड़ को सुखा करके उसका पाउडर कर लीजिए और उस पूरे पाउडर को यानी जितना भी आपने जड़ सुखा के रखा है, पहले जड़ को अच्छे से घी में भून लीजिए सूखने के बाद, और उसको पीस करके किसी डिब्बे में रख लीजिए। अब इसको रोज़ाना गुनगुने जल से सुबह या फिर शाम को या फिर भोजन के बाद, मतलब दिन में 2-3 बार खा सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से अगर आप मधु के साथ चाटते हो या पानी के साथ भी पी लेते हो, तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होने लगती है, धातु पुष्ट होने लगता है और आपको एक ताजगी, फ्रेशनेस और जवानी महसूस होने लगता है, क्योंकि इनकी जड़ों में ही ऐसी ताकत भरी होती है कि हर किसी को बलवान बना देता है। इसलिए तो इन दोनों का नाम ही महाबला या अतिबला है। तो मैं आज आप लोगों को महाबला की पौधे की जानकारी बता दिया है, आप लोग इस पौधे से परिचित होकर के इसके फायदे ले सकते हो। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो की जानकारी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की प्रत्येक वनस्पति की सही जानकारी जानने सुनने देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और ख़ास वनस्पति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।